दोस्तों अभी अभी पता चला है कि हमारे मोहल्ले में भी एक काफल का पेड़ है। ये लाल वाले खाना ठीक है, केवल हरे मत खाना। तो दोस्तों मजा आ गया, और ये जो मजा है हम गोपेश्वर के हर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। यू कैन डू इट, 6 दिन का टाइम है, 6 दिन में आपको पूरा सामान है, ठीक है? बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, डरी को तो दूर करना है। क्यों? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हो चुकी है एक नया ब्लॉग की शुरुआत, देख सकते हैं अभी धूप लग चुका है। तो आज अभी अभी थोड़ी देर पहले उठ रहे, आज स्टेडियम में नहीं गए क्योंकि यार 3-4 दिनों से ना ढंग से सो ही नहीं थे। तो हमने कल ही मतलब माइंड सेट कर रखा था कि आज हम आराम से सुबह तक सोना है, आराम से उठेंगे और आज क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग की स्टार्टिंग, आज के इस दिन की स्टार्टिंग होने वाली है क्रिकेट से। तो काफ़ी दिनों से खेला नहीं है, अभी भाई लोग आने वाले हैं और बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं क्रिकेट खेलने, क्योंकि संडे आज फुल क्रिकेट चलता है यहाँ पे। तो जितू भाई भी आने वाला होगा, थोड़ा तब तक स्टम्प स्टम्प लगाते हैं हम और करते हैं आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग, आज के इस क्रिकेट की स्टार्टिंग, बने रहिए। हेलो हैप्पी भाई, कैसे तो जाते हैं? तो अभी भाई लोग पहुंच चुके हैं, विकास भाई कल दिखे थे, आज फिर से दिख चुके हैं, आगे भी दिखते रहेंगे और बढ़िया निरंतर मौका। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भाई जी, तो अभी जितू भाई लोग आ रहे होंगे और भी भाई लोग आ रहे होंगे, आप बहुत आएंगे। अभी वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का गेम है, इसलिए भाई लोग सुबह, अभी भाई लोगों का फोन आया था कि हम आ रहे हैं, इसलिए हम रेडी हो चुके थे। तो दोस्तों अभी अभी पता चला है कि हमारे मोहल्ले में भी एक काफल का पेड़ है, जहाँ पर कि अभी कब्जा कर लिया हमारे हैप्पी भाई ने। तो अभी फटाफट हम भी चलते हैं, थोड़ा बहुत हम भी खाते हैं, आपको भी दिखाएंगे कैसा होता है काफल का पेड़, कैसे होते हैं काफल, हमको विकास भाई ने बताया। और तब तक हमारे हैप्पी भाई चले गए यहाँ कोची। वाह वाह, अति उत्तम, हिला मस्त होना हिला। दोस्तों मजा आ गया कसम से, ये देखो ये है काफल, मस्त छोटी ला खारी। ये लाल वाले खाना ठीक है, केवल हरे मत खाना। आजी जी दोस्तों दिन बन गया कसम से, काफल खा के दिन बन गया, क्योंकि हमारे इलाके में नहीं होते ना, हमारे जोशीमठ में नहीं होते काफल, ये शायद गर्मी वाले इलाके में होते ना। हैप्पी भाई के यहाँ तो बहुत बहुत सारे होते, बहुत ही ज़्यादा कट्टे भर भर करके, कंडे भर भर करके। तो इस बार सीजन में जिस टाइम पे इनके यहाँ काफल होते हैं, उस टाइम पे हम जाएंगे और एक कट्टा भर के हम मिलाएंगे, क्यों हैप्पी भाई? आखिर में तो इस पेड़ का खुलासा विकास भाई ने किया और इसका पूरा फायदा उठा रहा है हैप्पी भाई। ये आज ही भरा ला, आज ही भरा। तो दोस्तों अभी पेड़ पे ही टूट पड़ चुके हैं हम लोग, आप क्रिकेट क्रिकेट भूल गए। यहाँ देखो अभी हम पूरे पेड़ पे जा चुके हैं, पेड़ पे देखो अत्यंत मात्रा में अभी फल चुके हैं, इस साल के पहले का फल है या पंकु भाई इंतजार में कि ये ऊपर से तोड़ करके मेरे को फेंकेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। खाना है तो ऊपर पेड़ पे आ जाओ, ये फुल एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इनके काफल होता है, इनको पता है किस तरह से खाना है। फाइनली पंकू से भी नहीं रह गया और पंकू भी टूट पड़ चुका है पेड़ पे, वाह ये भी ना बात, ये सही है। अभी जीतू भाई को पता नहीं, अभी जीतू को पता लगेगा ना, तो वो भी अभी टूट पड़ेगा यहाँ। दोस्तों मैं हम यहाँ 3 सालों से रह रहे, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं था यहाँ पे काफल का पेड़ है। तो ये बताइए इसको कहते हैं क्या, अनएक्सपीरियंस बंदे, क्योंकि पता ही नहीं था यार काफल क्या होता है, किस तरह का पेड़ होता है, तो कैसे पता चलेगा, क्यों कभी किसी ने बताया भी नहीं। वो तो बड़े हो विकास भाई ने अभी बता दिया। तो विकास भाई अगले साल से हम आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, अगले साल से आपके आने तक हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों फुल नाश्ता हो चुका है आज, काफल ही काफल से फुल एंजॉय कर लिया काफल खा करके, अब चलते थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे, खेलना ही पड़ेगा यार, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम करना भी जरूरी है। ये सारे काम है इस विकास के, चुपचाप रहने देता, आराम से क्रिकेट खेलते थे। तो गाइस होना चाहिए मजा, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों मजा आ गया, और ये जो मजा है हम गोपेश्वर के हर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए जो भी गोपेश्वर के हो, एड्रेस बंजारी फील्ड नियर राजेश के रूम के बजट बगल पे, यहाँ पे एक पेड़ है काफल का, यहाँ पे आइए दब करके काफल खाइए, फुल एंजॉय लीजिए। हम जल्दी जल्दी अब चलते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेलते हैं, चलो।
भाई और कुछ नहीं, तू गिरना मन नीचे, तब खाएगा तू काफल ढंग से। चल आ जा। तो दोस्तों चलते अभी थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं। अभी वेट कर रहे थे हम दो चार भाई लोग, अभी और आ जाते थे तब मजा आता था। अच्छा कंटेंट मिल चुके हमको क्रिकेट के साथ साथ काफल। थोड़ा दो चार भाई लोग और आते हैं फिर मैच स्टार्ट करेंगे, टीमिंग बनाएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम बंदों में आफत आ जाएगी। क्यों दो चार बंदों का वेट करेंगे। बिल्कुल धीरू भाई पहुँच चुके हैं, अनिल भाई पहुँच चुके हैं। हेलो अनिल भाई, जल्दी आ जाओ और बुला दो चार बंदों को। जी तू कौन सी पत्ते रे? ओए शॉट। कैसे हो? बढ़िया। क्या क्या कर रहे हो? काफल खा रहे हैं या याद करो याद करो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी बॉल खो चुकी है तो फिर से आ चुके हम अपने काफल के पेड़ में काफल खाने के लिए, काफल का एंजॉय लेने के लिए। हाँ 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 हाँ। दो दो ज्यादा नहीं है, तेरी कसम से नहीं है, नहीं है भुगन की कसम से। ये नील है ज्यादा नहीं मार्क्स, हम थोड़े थोड़े ची तुमको नेक्स्ट वाली इनिंग में। शॉट यार, छह रन। प्रकाश भाई फैन बन गए तुम्हारे, बहुत गजब। तो संपर्क करें मैचों के लिए। आज के मैन ऑफ द मैच हमारे प्रकाश भाई। ओ बादशाह, प्रकाश भाई अपना मैन ऑफ द मैच विकास भाई से ले ले। तो दगड़े अभी आ चुके हैं हम क्रिकेट खेल करके, भाई लोगों को थोड़ा सा। कैसे हो मेरे स्पैरो भाई? बस बढ़िया। हमारे कैप्टन साहब आज हम, आज के हमारे मेहमान हमारे भरत भाई, उनको तो हमारा रोजी का मेहमान ही है इसको। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो आज इन्होंने मेरा हैप्पी बर्थडे भी कर दिया है, तो भाई लोगों को थोड़ा पानी पूनी पिलाएंगे। तो दोस्तों अभी रूम पे आ चुके हैं आज हमारे मेहमान है हमारे भरत भाई, हमारे जैक स्पैरो भाई। ठीक है, तो हमारे भरत भाई चाहते हैं कि हम उनको अपनी आज आर्ट दिखाएं। ठीक है, बहुत दिनों से बोल रहे थे तो उनकी जो तमन्ना हम उसको पूरी करेंगे आज। ज्यादा तो नहीं है यार का भरत भाई ना, थोड़ा बहुत है, बाकी सारे घर पे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाएंगे हम आपको। चलो दोस्तों इसी बहाने आप लोगों को भी दिखा देते हैं कल लंबे टाइम बाद। ये हमारी माता जी, एक एक करके देखेंगे भरत भाई। क्यों रोहित जी यो देखना यार भाई, ए रोहित भाई देखना यार। ये सबसे स्टार्टिंग वाला था, ये सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, बहुत प्यारा। ये कौन है? ये भी एक भाई ने बनवाने के लिए दिया था यार, छोटा बुल्ला, बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा। ये कोशिश करिए ऐसी प्रैक्टिस के लिए थे, ये सारे प्रैक्टिस है, ये आँख है ना, ये है हाया भूसा यार, ये बना रखी वर्ल्ड यार, कैसे यार टाइम लगा था इसमें, बहुत इसमें भी एक दो दिन लगे थे। तो दोस्तों ये हाया भूसा शायद आप लोगों ने देखी थी होगी, ये भी ऐसी प्रैक्टिस है। ये दादी, ये हमारी दादी जी। ओह माय गॉड, वाओ वाओ। अभी खबर आई है कि पुलिस की जो भर्ती है वो 9 तारीख को जो फिजिकल है वो होना है, तो अभी भाई लोग बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुके हैं। तो जो दंड बैठक है वो 2 मिनट में 100 मानना है, तो सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है जो अभी तक हमको, अभी ट्राई कर रहे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। ओ भाई 10 दो नंबर फिर भी कट रही है दोस्तों, कसम से बहुत ज्यादा टफ है यार ये उठक बैठक, मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। क्वालिफाई हो गई है, क्वालिफाई हो गया पंकु, चल। नहीं नहीं पंकु भाई, यू कैन डू इट, 6 दिन का टाइम है, 6 दिन में आपको पूरा 100 मानना है, ठीक है, लग जाएगा।
तो दोस्तों हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से परसों फिजिकल आ चुका है, अभी केवल हमको एक हफ्ता हो रहा है, एक हफ्ते में बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हम हो रही है कोशिश कर ही रहे हैं। और सबसे मेन दिक्कत है लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप में 18 एक्सीलेंट है और अभी तक जो हमारा लग रहा है वो 12-13 फीट लग रहा है, तो 12-13 फीट लगा सकते हैं, 18 तक पहुंचने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मूवी देखो आप, देखो आपसे कोई दिक्कत नहीं, हम गाइज लोगों के साथ बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी मेहनत है उसमें थोड़ा सा और वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे में नहीं होने वाला है। रनिंग, लॉन्ग जंप और दोस्तों ये दंड बैठक, ये तीन चीज सबसे मेन चीज है। बॉल थ्रो अभी हमने फेंका नहीं है लेकिन लग रहा है कि बॉल थ्रो हो जाएगा। 120 में 100 मानना क्या? 80 प्लस का अगर हमारा फिजिकल आ जाता है तो फिर हम रिटर्न के लिए अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन 80 से नीचे आ गया तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चल जी तू बता दे यार, कसम से 2-4 छक्के या भाई साहब, भाई हो गया मैच खत्म, आज का खत्म कर दिया तूने, एक ही बॉल में पूरे मैच खत्म। अभी देख जीतू ये वाली शॉट देखना ठीक है तू अपनी, ओ जीतू जीतू ये वाली शॉट देखना ठीक है तू अपनी, कसम से शॉट है यार भरत, चेक स्पैरो, ओए शब, छक्का, छह रन, कैप्टन बहुत गजब। चल दे, अबे माँ की कसम ये फुल टॉस बॉल यार, देर ना, अबे क्या ही बताएं यार अब कसम से। तो अभी रात हो चुकी है, अभी हम मार्केट के ओर आए हैं, आज हम रनिंग करने के लिए गए नहीं तो साइकिल भी नहीं चलाई, लेकिन उसका औसत है जीतू भाई लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, ये पता नहीं अभी किसकी साइकिल उठा के ला गए, भाई बेइज्जती करवाएगा क्या जीतू? एक राउंड दे दे यार, मजा इसको चलाने में बहुत बढ़िया, पता है रियल आनंद आ रहा है इसमें, बॉल फील, स्टंट वाली साइकिल है बिल्कुल, तो दोस्तों हम स्टंट मारेंगे अभी इसमें, एक पिछला टायर घुमाएंगे ठीक है, पूरा 8 बनाएंगे तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको गोपीनाथ प्रभु के दर्शन कराएंगे शाम के टाइम के, इवनिंग गोपीनाथ प्रभु के दर्शन, उसके साथ साथ आज आपको मार्केट में घुमाएंगे, गोपेश्वर की चहल पहल दिखाएंगे मार्केट में, क्यों या बाबा, तो अभी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। हेलो 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 विनय भाई, किधर से? जय गोपीनाथ प्रभु, हरि हरि ओम। चलो आज आपको मार्केट का भ्रमण कराएंगे, चलो चलो। तो दोस्तों वैसे आज संडे है लेकिन फिर भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दुकानें खुली हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन मेन काम था जीतू भाई लोग ना बाल बनाने के लिए आए थे, तू नहीं बनाने? आज इन सारे भाई लोगों ने बाल बनाने हैं, हम तो परसों बना चुके थे, तो चलते हैं थोड़ा सा बाल बुल बनाते हैं, इधर थोड़ा बहुत घूमते हैं और फिर चलते हैं रूम पे, क्यों? वैसे आज दिन भर ज्यादा व्लॉग बना नहीं क्योंकि आज हम सुबह से क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे, थोड़ा बहुत सोने में लगे हुए थे, दो ही काम हुए आज, एक तो सोए एक क्रिकेट खेला, दो ही चीज, तीसरा खाना, या तीसरा खाना, आज हमने पहले ही से माइंड सेट कर रखा था आज हमको आराम करना है फुल, और अब भाई अब कल से तगड़ी मेहनत करनी है क्योंकि फिजिकल है, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आ रहे थे 9 को उसका इंतजाम होने वाला है भाई, मुझे तो पुलिस का वो देख के शौक लगा भाई, क्या हो गया? हाँ भाई दोस्तों कसम से हमको लगा नहीं, हम इसीलिए इसी टाइम पे हमको लगा कि थोड़ा लंबा टाइम मिलेगा फिजिकल, लास्ट में फर्स्ट में हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अचानक की आज मतलब एक नोटिस आया कि 9 से 9 को मतलब फिजिकल होना है, भाई थोड़ी देर तक कसम से दिल की धड़कने इतनी तेज हो चुकी थी ना, लड़का जा के अपने नंबर लगा दे कि किसमें क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये है आगे 90 प्लस वाले फिजिकल वाले दो भाई लोग, जिनका जो कि 3-4 महीनों से मेहनत करने में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, और जो मेहनत करता है भगवान उसको उसका फल जरूर देता है, एक दिन इनको भी देगा, हमको हमारे हिसाब से देगा, हमारे हिसाब से मेहनत है, क्यों हमारे हिसाब, या तो फिलहाल अभी मार्केट में देख सकते हो गोपेश्वर मार्केट का चहल पहल, अभी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मार्केट से आ चुके हैं, तो आज एक फिर से एक भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। हेलो भाई जी, कैसे हो? अरे ब्लॉग ब्लॉग कर रहे हो, ब्लॉग नहीं बना रहे हो, बनाओ ना। और तब कैसे हो? बढ़िया, तो ये है वो भाई ठीक है, ये भी ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी
पहले पहले मैं थोड़ा सा घबरा रहा, थोड़ा नर्वस हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आदत पड़ जाएगी, बनाते रहो ठीक है। अपने जोशी मठ के उर्गम को ना उर्गम पल्ला डुमक, तो डुमक के है तो बढ़िया है, बनाते रहो, सही है, अगर खाली टाइम में बना तो बहुत बढ़िया है। तो बनाने रहो यार, बनाओ ना यार आप भी, चलो ठीक है, कोई होता है यार, पहले स्टार्टिंग में होता है, हमको भी होता है, अभी भी हमको होता है, इतनी सारी वीडियोस बनाते फिर भी अभी हमको डर लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, डरी को तो दूर करना है, क्यों तो बढ़िया था, मिलता था ठीक है। ओके तो दोस्तों अभी रात की 10:30 हो चुकी है, खाना खाने का, डिनर करने का वक्त हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय।